नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर विज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। मुहर्रम को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। उपायुक्त नवप्रेश लकड़ानी की अध्यक्षता। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हो इसको लेकर अधिकारियों को दिया गया निर्देश। सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर। सीहोडी स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में पंडाल खोलने के दौरान करंट लगने से दो मजदूर युवकों की हुई मौत। घटना के बाद लाया गया सदर अस्पताल, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। मचा कोहराम, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घटी घटना। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा। बिजली, पानी, नाली की साफ सफाई व अन्य बिंदुओं पर भी की गई चर्चा, दिए कई निर्देश। जलावा सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद और उपायुक्त नवनप्रेश लकड़ा ने बगोदर सरिया में प्रस्तावित अनुमंडल स्तरीय कोर्ट तथा सब जेल को लेकर स्थल का किया निरीक्षण। कहा इन क्षेत्र के लोगों को होगी सहूलियत, नहीं तय करनी पड़ेगी गिरिडीह की यात्रा। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया सम्मानित। मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील। और अब खबर विस्तार से। मुहर्रम को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नवनप्रेश लकड़ा ने की। बैठक में जिले के विभिन्न अनुमंडलों से आए शांति समिति के लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से शांति के साथ पर्व मनाने को लेकर आश्वस्त किया। इस दौरान शांति समिति के लोगों द्वारा साफ सफाई, पेयजल एवं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नवनप्रेश लकड़ा ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी शांति समिति की बैठक अवश्य करें। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उस पथ का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन कर ले। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों का विशेष निगरानी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप समेत सभी सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी इसके लिए सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने सभी अखाड़ा कमेटी को अपने निर्धारित रूट से जुलूस निकालने का निर्देश दिया। साथ ही अखाड़ा में आग और एयरगन के प्रदर्शन पर रोक की बात कही। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य सहित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। सीहोडी के आशीर्वाद रिसोर्ट में करंट लगने से सोमवार को दो युवकों की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। घटना से कोहराम मच गया। बताया गया कि आशीर्वाद रिसोर्ट में एक विवाह समारोह संपन्न होने के बाद पंडाल को खोला जा रहा था। इसी दौरान धरियाडी निवासी अंशु कुमार और आकाश कुमार
सिपू कुमार ताती समेत कुछ लोग पंडाल खोलने का काम कर रहे थे, तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये तीन लोगों को झटका लगा। ये तीनों झटका लगने से 20 फीट ऊपर से नीचे जमीन पर गिरे और मौके पर ही अंशु और आकाश की मौत हो गई। वहीं सिपू घायल हो गया। आनंद फानंद में तीनों को सदर अस्पताल ले गया, जहां सिपू कुमार ताती का इलाज चल रहा है, जबकि चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना से मृतक के परिजन सदमे की स्थिति में थे और चिकित्सकों के मृत घोषित करने के बाद भी ऑक्सीजन लगाने का आग्रह किया। कुल मिलाकर घटना से सदर अस्पताल परिसर में कोहराम मचा था। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। रोड में काम कर रहा था। कौन सा रिसोर्ट? आशीर्वाद रिसोर्ट। हाँ। काम कर रहा था, वहाँ घोलंची के ऊपर चला हुआ था, झालर खोल रहा था। अब झालर खोल रहा था, तार इतना नीचे था वहाँ 11,000 का मेरा भगना है, वो उसका माथा में यहाँ पीछे सट गया। अब उसके सटने के कारण जो ठेला पकड़ा हुआ था उसको भी पकड़ ले रह गया, एकदम करंट छोड़ने रहा था। लास्ट में हम आए तो हम छोड़ाने का कोशिश किए तो हमको भी ये करंट मारा तो हम फेंका गए। फिर हम हिम्मत करके उठे तो बांस लेकर के आए तो एक गोटे छोड़ाए तो दोनों छूटा, लेकिन मेरा भागना खत्म हो गया था वहीं पर जल करके, पूरा उसका खोपड़ी पूरा पीछे जल गया। ये कौन सा किसका था डेकोरेटर? डेकोरेटर गुप्ता टेंट हाउस। कहाँ का है? पुलिस लाइन का है। वहीं आप लोग काम करते थे? हम वहीं काम करते थे। झालर उतार रहे थे उस समय? हाँ, झालर उतार रहे थे। आज घटना हुआ? आज। कितना बजे? वही लगभग 3:30 बजे। कौन कौन कहाँ का रहने वाला? दोनों एक गरहाटाड़ का रहने वाला है और एक थैयाडी का रहने वाला। क्या नाम है? एक का आकाश नाम है, एक का अंशु नाम है। झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिषदन भवन में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर गिरिडीह में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है इस पर बिंदुवार समीक्षा की गई। गिरिडीह में आगे क्या नया हो सकता है जिसका उसका लाभ जिले वासियों को मिले, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बताया गया कि सड़क की भी जर्जर समस्या सामने आ रही है, इसे भी बेहतर बनाना है। साथ ही पानी की समस्या को लेकर कैसे बढ़ाकर और उसरी नदी से शहरवासियों तक पानी पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। इस बाबत मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि गिरिडीह में इंफ्रास्ट्रक्चर की अपार संभावनाएं हैं जिसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसी को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक किया और एक उचित निर्णय लिया गया। कहा कि विकास योजनाओं को लेकर जल्द ही DPR तैयार किया जाएगा। मौके पर सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार हजदा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मिशन मैनेजर सुमित घोष, के सिलाही फिरोज, चंदन कुमार और अन्य नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। जैसे यहाँ के रोड जो है खराब रोड है, उसके लिए पानी का कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, पानी का थोड़ा यहाँ है, उसके लिए लाइट का, साफ सफाई का, ये सब हम लोग डिस्कस किए। परसों मीटिंग भी रखे हैं और कुछ योजनाएं स्वीकृति हुए, फंड देना है उसी सिलसिले में। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जगह से बड़ाकर नदी से और इसरी से, उसी से, तो उसी दोनों जगह का उस सिलसिले में भी बात हुई है और उसमें भी बहुत जल्दी आपको हम लोग खुशखबरी सुनाएंगे। दूसरी वाली बात, 3 साल से लगभग इस पर क्या आप करने जा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है, इसमें भी कब तक स्वीकृति होने होना है? लगे हुए हैं, देखिए अभी पहले ज़्यादा बोल देने से ठीक नहीं होगा, हम करते हैं इसके बाद बोलते हैं। समय गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर के वृंदावन होटल में सोमवार को अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को सम्मानित किया गया। यहां फेडरेशन ऑफ चैम्बर के स्टेट वाइज प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, मोगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया, दीपक कुमार, सतीश केडिया और रंजीत बर्णवाल के साथ मुकेश जालानी संयुक्त रूप से शॉल उड़ाकर और एक पौधा देकर सम्मानित किया।
मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील किया है कि हर एक व्यक्ति अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ रहा है, ऐसे में जरूरत है कि हम अपनी माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। कहा कि जब जैसा माहौल रहता है उसी के अनुसार खुद में परिवर्तन करना पड़ता है। इस बीच समारोह को फेडरेशन ऑफ चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुंझुनवाला ने संबोधित किया और गिरिडीह में मृत होते माइका उद्योग से एक बार केंद्रीय मंत्री को रूबरू कराया और अपील करते हुए कहा कि वो एक बार हेमंत सरकार से वार्ता करे, जिससे माहौल माइका उद्योग के प्रति बेहतर बन सके। इधर समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता नवीन सिन्हा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, विवेश जालान, सतीश केडिया, राजेश सुराना, ध्रुव संथालिया, अनूप तुलसियान, संजय डंगेज समेत कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद थे। जिला परिषद सभागार में सोमवार को सदर विधायक सुदव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में जिला परिषद की सामान्य बैठक की गई। बैठक में विकास कार्यों पर मंथन किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर उतारने और आमजनों को लाभान्वित करने के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं को घर घर पहुँचाने व आम लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी जीप सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्या को लेकर चर्चा किया गया। बैठक के दौरान मनरेगा कार्य योजना एवं कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं, जल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को विद्युत आपूर्ति के संबंध में सख्त निर्देश दिया गया तथा विद्युत विभाग के तहत मुआवजा स्वीकृति के भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही विद्युत विभाग और पेयजल व स्वच्छता विभाग के संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्रवाई से संबंधित सूचना संबंधित जिला परिषद को सदस्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में विकास आयुक्त, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि कांडे, सभी प्रखंड प्रमुख, सभी जिला परिषद सदस्य, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता, मनरेगा कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। पीटाड़ के बदगावा पंचायत के नवाटाड़ गांव में रविवार रात हाथियों ने 9 घरों को नुकसान पहुंचाया है। सोमवार को गिरिडीह विधायक सुदव्य कुमार सोनू ने गांव का दौरा किया। मौके पर पीटाण के बीडीओ और फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद रहे। इस मौके पर टूटे हुए घरों का निरीक्षण किया गया, साथ ही तुरंत एक एक क्विंटल अनाज सभी पीड़ित परिवार को देने का आदेश विधायक द्वारा दिया गया। इस मौके पर बीडीओ को अबुआ आवास में इन परिवारों को जोड़ने का निर्देश दिया। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जल्द मुआवजा की राशि सभी के खातों में हस्तांतरित करने की भी बात कही। इस मौके पर विधायक ने सभी परिवारों से मिलकर समस्या से अवगत हुए और उसके निष्पादन को लेकर बीडीओ को निर्देश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के भाई समेत 9 अभियुक्तों का सोमवार को सिविल कोर्ट में बयान कलम बंद हुआ। गिरिडीह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ गौतम की अदालत में यह कार्रवाई हुई। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अनुज नूनूलाल मरांडी समेत 9 अभियुक्त का बयान कलम बंद किया गया। उल्लेखनीय है कि 11 जून 2016 को सरिया थाना में नूनूलाल मरांडी समेत भाजपा नेता रजनी कौर, राजदेव साव, मोहम्मद इकबाल, मनीष मंडल, सुलेमान अंसारी, जसीम अंसारी, बाल गोविंद मंडल, दिनेश यादव के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इन लोगों के विरुद्ध आरोप था कि इन लोगों ने ग्रांड कोट रेलवे ट्रैक में सरिया के समीप रेल लाइन को जाम कर यातायात बाधित किया था, जाम हटवाने गए सरकारी कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में अभियोजन ने 2 साक्षियों का दवा कराया है। न्यायालय ने अभियोजन का साक्षी बंद कर सभी अभियुक्त को सोमवार को कोर्ट में सदैव उपस्थित रहने का आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश पर सभी अभियुक्त आज कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट में सभी अभियुक्तों का बारी बारी से इस मामले में बयान लिया। अब यह मामला बहस पर तय हो गया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता चुनुकांत एवं के सिंह ने बहस की। डीएसपी टू कौसर अली की अध्यक्षता में बोडो स्थित रॉयल ग्लोबल स्कूल में सोमवार को ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। मौके पर यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो समेत विद्यालय के कई शिक्षक व बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय में बच्चों को यातायात नियमों का पालन समेत अन्य चीजों की जानकारी दी गई। साथ ही यातायात से संबंधित बच्चों के लिए विद्यालय में ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी करवाया और काफी सारे बच्चे को विभिन्न प्रकार के गिफ्ट और मोमेंटो भी दिया गया। गिरिडीह जिले में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर एक मैसेज देने के उद्देश्य से बोड़ो में ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर हमने बच्चों के बीच में पेंटिंग कंपटीशन कराई है, जिसके तहत ट्रैफिक अवेयरनेस का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। इसमें बच्चे काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स बनाए और इसमें मेरी तरफ से यह कोशिश है कि जो लोग ट्रैफिक के नियमों को नहीं पालन करते हैं उनके लिए यह मैसेज है कि उभरते बच्चे जो आज हमारे देश के भविष्य हैं उनमें यह बीज आरोपित किया जाए कि ट्रैफिक के नियम को जाने समझें और इनको अनुपालन करें, ताकि इनके जो गार्जियन हैं इनकी सीख से वे भी कुछ नई चीज़ों को समझें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ताकि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके और यहाँ की जनता ये बढ़ते हुए ट्रैफिक की समस्या से निजात पा सके। सोमवार को अहिल्यापुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। इस दौरान अहिल्यापुर थाना में गांडे इंस्पेक्टर कमाल खान ने उपस्थित सदस्यों से शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारगी का संदेश पेश करते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाने को लेकर अपील किया। कहा कि कोई भी किसी भी अफवाह को बेवजह किसी दूसरे को ना परोसने का काम करे। कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है, भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। वहीं अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह बिष्ट ने भी सबों को मुहर्रम का पर्व शांति सौहार्द तरीके से भाईचारे के साथ मनाने को लेकर अपील किया। इस दौरान वीडियो निसात अंजुम ने उपस्थित सभी लोगों को इंस्पेक्टर कमाल खान व थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह बिष्ट के बातों पर अमल करने की बातें कही। मौके पर पूर्व मुखिया अरुण हाजरा, समाजसेवी कृष्ण नंदन अग्रवाल आदि ने भी अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। मौके पर शंकर सिंह, हाफिज अंसारी, महेंद्र मंडल, मुस्लिम अंसारी, मुख्तार अंसारी, निसार अंसारी, नासिर अंसारी, बलदेव तुरी सहित थाना क्षेत्र के दर्जनों बुद्धिजीवी मौजूद रहे। पीटान डुमरी रोड के जामताड़ा में सोमवार को युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी बैठक हुई। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनान अली ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वहीं संचालन डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर महतो ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक करुण नंदन पासवान, झारखण्ड युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी भूपेश कुमार, गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के महासचिव बंटी अली आदि उपस्थित हुए। यहाँ प्रखंडवार संगठनात्मक स्थिति का समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस के बेहतर भागीदारी को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस क्रम में राष्ट्रीय समन्वयक करुण नंदन पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बदल कर रखा है। देश के युवाओं को लगातार ठगने का काम किया है और किसी भी तरह के वैकेंसी सरकार की तरफ से निकलती है तो उसे वैकेंसी की नई खबर के साथ एग्जाम लीक की भी खबर निकलती है, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपति लोगों के लिए काम करती है। आम जनता, गरीब जनता से कोई इनका दूर दूर तक जुड़ाव नहीं है और देश की जनता को लगातार यह लोग ठगने का काम कर रहे हैं। मौके पर हसनान अली ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेश भगत, मनोज जायसवाल, मुमताज अंसारी, मुस्तकम अंसारी, शंकर कुमार, संजय कुमार, सुमित कुमार समेत दर्जनों पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, ये भारतीय युवा कांग्रेस का और ये डुमरी
विधानसभा की कार्यकारिणी बैठक था, जिसमें हम अभी ब्लॉक कमेटियों से लेकर अपनी विधानसभा कमेटियों तक हम अपने युवा कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं कि हम जिस तरह से झारखंड सरकार ने लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाया है और लोगों के जीवन आसान हो इसके लिए कई योजनाओं को कर जो काम कर रही है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो काम कर रही है, और जिस तरह से अभी हमारी जो बीजेपी है उसकी जो NDA की गवर्नमेंट है सेंटर में, लगातार आप देख रहे हैं कि नीट के पेपर लीक कर रहे हैं जिससे 24 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं, मेडिकल स्ट्रक्चर हमारा ख़राब होने को जा रहा है, जो रिसर्च करते हैं नेट GRF कल के लिए डॉक्टरेट के लिए PhD करते उनका पेपर लीक कर दिया, 9 लाख स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। आप जानते हैं किसानों का आज तक जो MSP है, जो बोले थे कि 2014 में कि मैं किसानों को MSP को दुगुना करूँगा, आज इतने कम आय में कैसे किसान जीवित हो रहे हैं, किसानों के ऐसे ऐसे लॉ ला रहे हैं जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सभी जन समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जिस तरह से BJP हमारे संस्थाओं पर हमला कर रहा है उसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे, और झारखंड की सरकार जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है ये भी हम लोग घर घर से लेकर पंचायत तक बताने का काम करेंगे। मुहर्रम को लेकर DC ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, उपायुक्त नवन प्रियेश लकड़ानी की अध्यक्षता। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हो इसको लेकर अधिकारियों को दिया गया निर्देश। सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर। COD स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में पंडाल खोलने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूर युवकों की हुई मौत। घटना के बाद लाया गया सदर अस्पताल, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। मचा कोहराम, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घटी घटना। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा। बिजली, पानी, नाली की साफ सफाई व अन्य बिंदुओं पर भी की गई चर्चा, दिए कई निर्देश। जलावा सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद और उपायुक्त नवन प्रेश लकड़ा ने बगोदर सरिया में प्रस्तावित अनुमंडल स्तरीय कोर्ट तथा सब जेल को लेकर स्थल का किया निरीक्षण। कहा, इन क्षेत्र के लोगों को होगी सहूलियत, नहीं तय करनी पड़ेगी गिरिडीह की यात्रा। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया सम्मानित। मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।